हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है जीतू और अभी आप लोग देख सकते हैं कि NZD USD का ये जो चार्ट है, मैं अभी यहाँ पर कुछ ट्रेड्स प्लेस करने वाला हूँ आप सबके सामने। और ये मार्केट सही चल रही है, ठीक ही ठाक, तो मैं यहाँ सबसे पहले एक डाउन की ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों अभी 1 मिनट के लिए एक कैंडल रेड बनने वाली है और मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। और कम्प्लीटली मार्केट भी डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट अभी कहाँ तक आ सकती है वो हमें पता रहना चाहिए। तो अभी मार्केट आ सकती है या तो इस ग्रीन कैंडल की विक तक आएगी या फिर यहाँ तक आएगी, इस ग्रीन कैंडल तक। तो हम लोग देखते रहते हैं, जिस हिसाब से मार्केट मूव करेगी उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता रहूँगा। साथ ही साथ उन सब ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी आपको समझाता रहूँगा और साथ ही साथ ट्रेड प्लेस करने के लिए मुझे जो है रिएक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने जो है एक ट्रेड और डाउनवर्ड डायरेक्शन की प्लेस कर दी थी क्योंकि अभी 1 मिनट के लिए ये भी ग्रीन बनेगी, सॉरी रेड बनेगी, ग्रीन ना बन के रेड बनेगी, मेरे मुंह से निकल गया था गलती से। अभी 1 मिनट के लिए ये रेड बनेगी और हमारी ये भी ट्रेड विन हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ 5 से 6 ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करूंगा और 6 ट्रेड मैक्स होंगी, बट देखते हैं कि क्या उन ट्रेड में से कोई ट्रेड हमारी लॉस भी होती है, और अगर कोई लॉस होगी तो उसमें जो है मैं रिकवर करके भी आपको दिखाऊंगा। अगर नहीं लॉस होती तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो अभी देखते रहते हैं। एक्चुअली दोस्तों आप लोगों ने लिक्विडिटी का अगर नाम सुना होगा तो ये इस जो है मार्केट ने इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी स्विप की, अभी मार्केट नीचे आ रही है। दैट्स वाई मैं जो है यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस की थी और मैं अगली ट्रेड प्लेस करने के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग देख सकते हैं कि बायर इसको जो है पुश कर रहे हैं, बट अभी भी बायर जहाँ से पुश करके इसको ले गए हैं वहाँ पर गैप है। कम मार्केट ओपनिंग पर जाए तो मैं फिर से एक डाउन की ट्रेड प्लेस करूँगा, अगर ओपनिंग पर जाती है तो पहले पहले तो नीचे आ गई, तो मैं यहाँ से जो है एक आपकी ट्रेड प्लेस कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं दोनों साइड से ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ कैंडल में। मुझे पता रहता है कि ये कैंडल बनेगी तो मैक्सिमम कहाँ तक बनेगी ये, इस वजह से मैं जो है दूसरे डायरेक्शन से भी ट्रेड प्लेस कर देता हूँ दोस्तों। बट आप लोग ऐसा मत कीजिए, ऐसे ट्रेड प्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है वो इस एरिए के ऊपर क्लोज होगी, आप लोग देखना, सॉरी रेड कैंडल, और मेरी ट्रेड विन हो जाएगी। ये मेरी तीसरी ट्रेड, 1 2 3, और मैं यहाँ पर कुछ और ट्रेड प्लेस करूंगा। तो दोस्तों ऐसी आप लोग ट्रेड मत कीजिए, ऐसी ट्रेड्स बहुत रिस्की रहती है, मुझे एक्सपीरियंस है कई सालों का, दैट्स वाई मैं प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि बिना सीखे आप लोग ऐसे ट्रेड करो, और जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। आप लोग देख सकते हैं अभी ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी बट मुझे एंट्री ही नहीं मिली, और अगर ये एंट्री दे दे तो मैं जो है 1 मिनट के लिए आपके लिए ट्रेड ले लूँगा। 1 2 3 ट्रेड हो गई हैं, चौथी ट्रेड भी मुझे मिल सकती है अगर ये कैंडल नीचे आएगी तो पहले, बट ये नीचे ही नहीं आ रही है, और नीचे ही नहीं आ रही तो मैं इसमें भी ऊपर से ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, खतरनाक। ओके, यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस की दोस्तों, बट मेरी ट्रेड थोड़ा सा ऊपर लग गई है। अब यहाँ पर मैंने रिस्क ले लिया है टाइम बचाने के चक्कर में, क्योंकि मैंने ट्रेड जो है लगाई थी इस पॉइंट पर जहाँ पर अभी मार्केट है, यहाँ पर लगाई थी इस पॉइंट पर, और मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली गई थी, बट आई होप कि विन हो जाए, ठीक है, और ये विन ही हो रही है तो अभी तो विन ही हो जाएगी, बट एट द एंड देखते हैं क्या होता है। अगर कोई लॉस होगा तो रिकवर भी करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये तो विन हो गई हमारी ट्रेड, और अगली ट्रेड के लिए ओके थोड़ा सा जो है ये लॉस करवा गई दोस्तों। अगर आप लोग देखोगे तो हल्का सा नीचे आ करके, मेरी प्रिडिक्शन में गलती नहीं थी, मेरी ट्रेड प्लेसिंग में गलती थी, ठीक है। मैंने प्रिडिक्ट किया था ग्रीन बनेगी, वो ग्रीन बनेगी, बट मेरी ट्रेड प्लेस करने की वजह से वो लॉस हुई है। तो मैं यहाँ पर जो है 2 ट्रेड और प्लेस कर देता हूँ जिससे कि मेरी ट्रेड वो पिछली वाली जो लॉस हुई है वो रिकवर हो जाए और मेरी दूसरी ट्रेड विन हो जाए, जिससे कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में भी आ जाऊँ, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने अभी तक 4 कैंडल प्रिडिक्ट की है, 1 2 3 एंड 4, और चारों कैंडल मेरे अकॉर्डिंग ही बनी है। बस क्या हुआ है कि मेरी ये जो ट्रेड है वो लॉस हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेसिंग। तो इसको ये नहीं कहते हैं कि जो है प्रडिक्शन गलत हुआ है, ये प्लेसिंग की वजह से लॉस हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर लॉस हुई है, तो इसको हम लोग ज़्यादा तवज्जो लॉस में नहीं देंगे, ठीक है। और अगली कैंडल देखो, अभी ये 5 कैंडल्स मैंने बैक टू बैक प्रिडिक्ट की है, और अगली कैंडल भी जो है मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ही प्लेस करूंगा,
ठीक है, वो मैंने प्लेस कर दी है और मेरी 6 ट्रेड हो जाएंगी इसको लेकर के, जो कि जिसमें कि एक केवल लॉस हुई है वो भी रॉन्ग प्लेसिंग की वजह से। और इसके बाद जो है मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये होती है प्योर नॉलेज। अगर आपके पास प्योर नॉलेज है तभी आप बैक टू बैक कैंडल्स पर ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज आपका लॉस भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसी ट्रेडिंग सीखना है बैक टू बैक, तो आप लोग मुझे जो है मेरी मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो है मुझे मुझसे टेलीग्राम पर बात करना होगा मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए। और अगर ये वीडियो मैं जो है 1 जुलाई से पहले अपलोड करूँगा, ठीक है, तो आप जुलाई बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको जो है 1 जुलाई से पहले पहले मुझे कॉन्टेक्ट करना होगा, या फिर 1 जुलाई को शाम से पहले कॉन्टेक्ट करना होगा ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। अगर आप 1 जुलाई के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको उस जुलाई बैच में जो है एंट्री नहीं मिलने वाली दोस्तों, क्योंकि वो क्लासेस चल जाती हैं तो मैं किसी को एंट्री नहीं लेता, ठीक है, जिससे जिसमें आपका नुकसान होगा। तो मेक श्योर कि अगर आपको जुलाई में सीखना है तो जो है आप 1 जुलाई को जो है 4-5 बजे, मतलब इवनिंग से पहले पहले आप लोग मुझसे बात कर लीजिएगा, अदरवाइज अगली बैच में आइएगा, ठीक है। दोस्तों जो कुछ भी है आपके सामने है, प्योर नॉलेज था 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 कैंडल दोस्तों मैंने बैक टू बैक प्रिडिक्ट की है, 1 2 3 4 5 6, और इस पर मेरी लॉस हुई थी। हल्का सा कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाती तो वो भी विन हो जाता, तो उसे मैं लॉस नहीं मानता, वो रॉन्ग प्लेसिंग की वजह से हुई है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। साथ ही साथ अगर आपको मेरी ट्रेडिंग स्टाइल अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, ट्रेडिंग सीखते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन एनी फील्ड। ओके, बाय बाय गाइज।